नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक बार फिर बंगाल में हिंसा देखने को मिली है। यहां 24 परगना जिले में बीजेपी के कार्यकर्ता और उसकी मां को बेरहमी से पीटा गया है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने ये किया है, जिसके बाद से ही बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी कार्यकर्ता और उसकी मां का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इन पर हमला किया है, क्योंकि ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं। वहीं बीजेपी ने अब आरोप लगाया है कि बंगाल में रविवार को उसके कार्यकर्ता और उसकी मां की टीएमसी के गुंडों ने बेरहमी से पिटाई की। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां शोभा मजूमदार कह रही हैं कि उन्होंने मुझे सिर और गले पर मारा, मेरे चेहरे पर भी घूंसे मारे। सुनिए उनका ये पूरा वीडियो। ओके, माथा है बारी दिए थे, कहां मिले थे? ओए, तीनों मुर्दा मेरे थे। আপনাকে কি করেছে? আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছে, আমার গা আমারও দুটো গা গুঁতো দিয়েছে। আপনার মুখে মেরেছে বল শুনলাম। মুখে মেরেছে, এই যে আমাকে খুব আমাকেও মেরেছে। কখন এসেছিল রাতে ওরা? ভোর 4:30। আপনি কি ভয় পেয়েছেন? আমাকে খুব দু চারটে মেরেছে আমাকেও, আমি ভয় পেয়েছি কি আমাকে, আমার তো পরিস্থিতি এরকম, আবার আমাকেও ওকে বলেছে যে এক কথা বলবে না, এক কথা স্বীকার করবে না কে কে মেরেছে। যারা মেরে এসেছিল তাদের আপনি চেনেন? আমি চিনতে পাই নাই গো। এখন শরীরে কোথায় কোথায় কষ্ট আপনার? আমার শরীরে সারা শরীরেই কষ্ট, আমার সারা শরীরে আমি বসতে পারি না। আপনার নাম? আমার নাম শোভা মজুমদার। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी ये वीडियो शेयर किया गया है। पार्टी ने पोस्ट के साथ लिखा है, 24 परगना के बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां को सुनिए, जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने बेरहमी से पीटा। ममता दीदी, इस वृद्ध महिला के दर्द और आंसुओं का हिसाब आपको देना होगा। एएनआई के मुताबिक 24 परगना जिला के निमता इलाके के बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार ने आरोप लगाया था कि शनिवार को टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता उनके घर में घुस आए थे और उन पर हमला किया था। जानकारी है कि पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटे जाने की घटना की हर कोई निंदा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि इस मां की पीड़ा और पीड़ा का जवाब बंगाल का मानुष देगा। आगामी चुनाव में बंगाल की माटी तृणमूल के अत्याचारों से मुक्त होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।